दुनिया में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स के निर्माण का भी संकल्प लिया है। लेकिन डीएमके और कांग्रेस की विचारधारा तमिल संस्कृति के प्रति भीतर तक घृणा से भरी हुई है। ये लोग आपके बच्चों को ड्रग्स के नरक में धकेल रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होते देख रहे हैं, लेकिन ताकतवर लोगों के आगे लाचार है। मोदी इन भ्रष्टाचारियों के साथ साथ इन ड्रग्स माफियाओं से भी लड़ेगा। मोदी तमिलनाडु की युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देगा। भारत माता की, भारत माता की। एन इनिया तमिल सगोदर सगोदर गिले वणक्कम। तिरुनेलवेली की इस पावन धरती पर मैं नेल्लई अप्पर और कांतिमती अम्मा के चरणों में नमस्कार करता हूं। कल ही तमिल पुत्तांडू का पवित्र अवसर भी था। बीजेपी ने तमिल पुत्तांडू के ही दिन नव वर्ष में नए भारत के संकल्प के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो को लोग मोदी का गारंटी कार्ड बोल रहे हैं। इसमें 70 इयर्स की आयु से अधिक के हर सीनियर सिटीजन को फ्री इलाज देने की गारंटी है। मोदी की इस गारंटी कार्ड में किसान समृद्धि केंद्र की संख्या बढ़ाने, भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का विजन भी है। बीते 10 इयर्स में एनडीए सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए दिन रात मेहनत की है। मोदी ने तिरुनेलवेली चेन्नई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले, यहां विकास की गति बढ़े। साथियों, आज तमिलनाडु में सारे लोग कह रहे हैं, सारे सर्वे कह रहे हैं कि तमिलनाडु की माताएं बहनें मोदी को खूब आशीर्वाद दे रही है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। इन लोगों को पता नहीं है कि पिछले 10 इयर्स में मोदी ने माताओं बहनों की सेवा की है, उनके आशीर्वाद लिए हैं, उनका दिल जीता है। अगर मैं सिर्फ तमिलनाडु की बात करूं तो 1,25,00,000 घरों में नल से जल का कनेक्शन दिया गया। देखिए, ये गुड़िया भारत माता बन के आई है। वाह। साथियों, जो तमिल भाषा से प्रेम करता है, जो तमिल संस्कृति से प्रेम करता है, आज उसकी पहली पसंद बीजेपी बन गई है। अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में हमारी तमिल भाषा को वैश्विक पहचान दिलाने की गारंटी दी है। बीजेपी ने पूरी दुनिया में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स के निर्माण का भी संकल्प लिया है। लेकिन डीएमके और कांग्रेस की विचारधारा तमिल संस्कृति के प्रति भीतर तक घृणा से भरी हुई है। ये लोग तमिल पहचान को, तमिल विरासत को खत्म करना चाहते हैं। सेंगोल हो, जलीकट्टू हो, आप सभी ने देखा है कि कैसे डीएमके और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। दक्षिण तमिलनाडु का ये पूरा क्षेत्र वीरता और राष्ट्रवाद की धरती कहा जाता है। मर्द ब्रदर्स हो,
या वीरा पांड्या कट्टा बोपन्न का या वीर मंगई बेलू नाचियार जी हो, इन सुरवीरों ने पूरे जीवन विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में भी मुत्तु रामलिंग तेवर जी से प्रभावित होकर बहुत से नौजवान यहां नेताजी सुभाष के आंदोलन से जुड़े थे। देश के लिए लड़ने वाले इन लोगों का सपना क्या था? वो चाहते थे कि भारत एक ऐसा सशक्त और समृद्ध देश बने जिसका सम्मान पूरे विश्व में हो। आज जब हम भारत के दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देते हैं तो हम इन्हीं महापुरुषों का सपना पूरा होता है। आज हर वो व्यक्ति जो देश से प्रेम करता है उसकी पहली पसंद बीजेपी है। साथियों, बीजेपी तमिलनाडु का विकास करती है क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु की विरासत का सम्मान करती है, उसे प्रेरणा लेती है। हमारे प्रेरणा स्रोत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीओ चिदंबरम पिल्लई है, जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था। डीएमके और कांग्रेस की मिलीभगत कैसे देश विरोधी है ये सच्चाई अब पूरा देश जान गया है। इन्हीं लोगों ने हमारा कच्चतीवु आइलैंड तमिलनाडु से काटकर दूसरे देश को दे दिया। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के लोगों के उनको अंधेरे में रख करके, उनके सामने झूठ बोल करके पर्दे के पीछे पाप किया है। आज भी हमारे फिशरमैन भाइयों डीएमके और कांग्रेस के इस पाप की सजा मिलती है। उनका ये पाप चार दशक से छिपा हुआ था, अब बीजेपी से तमिलनाडु की जनता के सामने ले आई है तो इनकी बोलती बंद हो गई है। साथियों, हमारा तमिलनाडु इस समय फैमिली रन पार्टीज के करप्शन और स्कैम की बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, ये लोग आपके बच्चों को ड्रग्स के नर्क में धकेल रहे हैं। आज तमिलनाडु में जगह जगह ड्रग्स का जहर फैल चुका है। इन ड्रग्स माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है ये तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जानता है। माँ बाप अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होते देख रहे हैं लेकिन ताकतवर लोगों के आगे लाचार है। मैं आपको ये भरोसा दिलाने आया हूं, आपके आशीर्वाद से मोदी इन भ्रष्टाचारियों के साथ साथ इन ड्रग्स माफियाओं से भी लड़ेगा। मोदी तमिलनाडु की युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देगा। डीएमके और कांग्रेस के पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनके पास एक पुराना टैप रिकॉर्डर है, एक घीसा पीटा नेगेटिव एजेंडा है। तमिलनाडु के लोग भी जान गए हैं कि ये लोग ना अपने वादे पूरा कर सकते हैं ना तमिलनाडु की संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ये उत्साह उमंग बहुत लोगों को दिखता नहीं होगा, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अपना मोबाइल निकालिए, अपनी फ्लैशलाइट मोबाइल की चालू कीजिए। जो दिल्ली में बैठकर
राजनीति के प्लस माइनस करते रहते हैं, उनको ये रोशनी तमिलनाडु की ताकत देखने में काम आएगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।